सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैश एनालिसिस। नो, मैश एनालिसिस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्किटरी दी है एंड क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू 3 ओम 5 ओम 6 ओम। मैक्सिमम टाइम इतना ही क्वेश्चन आता है। फाइन, नाउ ऑल्सो फाइंड V1 एंड V2। कभी कभी ये एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसमें V1 एंड V2। नो, V1 एंड V2 यहाँ पर मार्क किया है -V1 -V2। इसमें प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अभी इस सम को सॉल्व करने के लिए मैं एक बार वापस इस सर्किट को ड्रॉ कर दूँ। और इसके वैल्यूज लिख लेते हैं 6, 2, 5, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम। नो, मैश एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अभी मेरे को नंबर ऑफ मैश आइडेंटिफाई करने, तो कितने मैश है? मैश 1, 2, 3, तीन मैश दिखाई दे रहे हैं। तीनों मैश में हम लोग ने क्या अज्यूम करना है कि करंट हमेशा तीनों मैश में कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, आप कैसे भी कुछ भी बैटरी कनेक्शन दें तो हम लोग हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? क्लॉकवाइज। नो, तीन मैश है तो तीनों भी मैश को करंट्स के नाम दे दो। ये फर्स्ट मैश रिलेटेड विद I1, सेकेंड मैश I2, थर्ड मैश I3। I1, I2, I3 ऐसे तीन मैश के मैंने नाम दे दिए। नो, हम लोग को एक एक मैश के लिए अभी क्या करना है? KVL अप्लाई करना है। नो, देखो कैसे अप्लाइंग KVL टू फर्स्ट मैश। नो, फर्स्ट मैश को मेरे को KVL अप्लाई करना है। नो, KVL अप्लाई करते हुए कैसे और क्या करना है देखो। नाउ, ये मेरे पास फर्स्ट मैश है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार मैं इस मैश को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ उसी मैश को रीड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट मैश को। ये मेरा फर्स्ट मैश है। अभी सब वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 5 ओम्स, 2 ओम्स, 6 ओम्स। अभी मुझे क्या करना है? ये फर्स्ट मैश है तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा तो I1 रहेगा। I1। मैंने क्या किया? हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट दिखाया मैंने। अभी देखो, ये 6 ओम के बाजू में कोई मैश नहीं है, मतलब इसके बाहर से कोई मैश करंट फ्लो नहीं होगा। नाउ, इस 2 ओम के बाजू में कौन सा मैश है? I2 वाला मैश है, मतलब यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा I2। देखो कैसे I1 ऊपर से नीचे जा रहा है एंड I2 नीचे से ऊपर जा रहा है, लाइक दिस। अगर हम लोग सबके सब क्लॉकवाइज अज्यूम करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, 5 ओम के बाजू में कौन सा मैश है? I3 वाला। और देखो, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में I3। नाउ देखो, अप्लाइंग KVL टू फर्स्ट मैश। अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरा ट्रेसिंग डायरेक्शन ऐसा है और मेरे डायरेक्शन में जो भी करंट रहेगा उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा और अपोजिट वाले का पॉजिटिव। तो देखो, 6 ओम के अक्रॉस एक ही मेरे पास करंट है तो यहाँ पर एक ही वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड दैट विल बी -6 I1। अभी यहाँ पर ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 2 करंट है तो 2 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो मेरा डायरेक्शन में जो करंट है वो I1, उसकी वजह से ड्रॉप जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, मतलब -2 I1। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है उसकी वजह से भी ड्रॉप होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए +2 I2। तो यहाँ पर 2 करंट थे तो 2 मेरे पास, देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप मिले। अभी यहाँ पर भी 2 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। मेरे डायरेक्शन में I1 है तो -5 I1 और अपोजिट डायरेक्शन में I3 है तो +5 I3। फिर आगे आ रहा हूँ तो बैटरी लग रहा है मेरे पास, तो जब मैं बैटरी जा रहा हूँ यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो
तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाते हैं तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को कैसे कंसिडर करते हैं, माइनस, तो उसका वैल्यू आएगा मेरे पास -10। फिर आगे जा रहा हूँ तो ये बैटरी लग रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है इसका वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और उसका वैल्यू कितना है, 20। फिर यहाँ से स्टार्ट किया था वापस उधर ही आया, इसके लिए यहाँ पर मेरे को इक्वल टू क्या करूँगा, 0, ये मेरे पास केवीएल हुआ। अभी देखो टोटल कितने I1 है मेरे पास, 6, 7, 8, 8 and 5 -13 I1 then +2 I2 then +5 I3 then ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिस विल बिकम +10 और +10 जब उधर शिफ्ट हो जाएगा दैट विल बिकम -10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फर्स्ट मैच से फर्स्ट इक्वेशन मिला, वैसे सेकेंड मैच को लिखना है मुझे, मैं सेकेंड मैच लिखते वक्त मैं ऐसा अलग से सर्किट ड्रॉ नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, देन अप्लाइंग KVL टू सेकेंड मैच, सेकेंड मैच को KVL अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो नाउ देखो इसमें अंदर का करंट I2 है और मैं इस डायरेक्शन में ही ट्रेस करूँगा तो I2 की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी नेगेटिव और बाहर के जो मेरे पास करंट रहेंगे मतलब इसके बाजू में दूसरा करंट है इस डायरेक्शन में रहेगा, इसके बाजू में दूसरा करंट I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन लोगों की वजह से वो रहेगा मेरे पास पॉजिटिव। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करो, पहले मेरे पास रेजिस्टेंस लग रहा है 3 ओम, इधर एक ही करंट है I2 तो यहाँ पर लिखते हुए मैं कैसे लिखूँगा, -3 I2। जब मैं इधर आ रहा हूँ इधर दो करंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मेरे डायरेक्शन में I2 है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं -1 I2 और I3 की वजह से भी ड्रॉप होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए +1 I3। देन आगे आ रहा हूँ बैटरी आ रहा है इधर से, इधर जंप किया पॉजिटिव तो नेगेटिव टू नेगेटिव से पॉजिटिव जंप किया तो +5। फिर आगे जा रहा हूँ इधर दो करंट आ रहे हैं वापस से 2 ओम के अक्रॉस तो इसकी वजह से जो ड्रॉप होगा दैट विल बी नेगेटिव, इसकी वजह से जो ड्रॉप होगा दैट विल बी पॉजिटिव तो मैं आगे लिखूंगा -2 I2 +2 I1। फिर जहाँ से स्टार्ट किया उधर मैं वापस पहुँच गया इज इक्वल टू 0। तो कितने I1 है मेरे पास, 2 I1, I2 कितना है 3, 4, 6 -6 I2 +I3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर देखो +5 दिखाई दे रहा है उधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया -5। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब मैं थर्ड मेश को KVL अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग KVL टू थर्ड मेश, तीसरे वाले मेश को मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैसे होगा देखो, 1, 2, 3 रेजिस्टेंस है, अंदर वाला करंट I3 है और मैं इस डायरेक्शन में ही ट्रेस करूँगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर I3 की वजह से जो भी ड्रॉप होंगे वो सब के सब क्या रहेंगे मेरे पास, नेगेटिव। I2 की वजह से रहेगा वो पॉजिटिव एंड I1 की वजह से जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ थर्ड मैश के लिए, तो जब पहले जा रहा हूँ पहले ही मेरे को बैटरी लग रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो -5। फिर आगे जा रहा हूँ दो मेरे पास करंट है I3 की वजह से नेगेटिव I2 की वजह से पॉजिटिव -1 I3 +1 I2। फिर आगे जा रहा हूँ तो इसके बाजू में कोई मैश नहीं मतलब इधर एक ही करंट फ्लो है I3 तो दैट विल बी -4 I3। जब आगे जा रहा हूँ मैं फिर बैटरी आ रहा है माइनस से लेके प्लस में जा रहा हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब +10। फिर रजिस्टर आ रहा है इसमें दो करंट होंगे अभी I3 एंड I1 तो I3 की वजह से जो ड्रॉप होगा दैट विल बी -5 I3 एंड I1 की वजह से होगा दैट विल बी +5 I1 इक्वल टू 0 क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था उधर पहुँच गया मैं, फाइन। तो अभी इसको अगर मैं ठीक से लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 5 I1 देन 1 I2 देन I3 कितने होगी 1 ये हो गया 5 -10 I3 इज इक्वल टू अब मेरे पास
माइनस फाइव है प्लस टेन है, माइनस फाइव प्लस टेन विल बिकम प्लस फाइव, प्लस फाइव उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर थ्री। नो इस तरीके से हम लोग को मेरे पास टोटल तीन इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, तीनों तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन है मेरे पास। अभी हम लोग को ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। नो ये साइमल्टेनियसली अगर मैं सॉल्व करता तो इसके वैल्यूज़ क्या क्या मिलते मुझे, तो हम लोग यूज कैलकुलेटर्स का यूज़ करेंगे। तीन अननोन्स अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो पहला है माइनस थर्टीन, देन टू फाइव माइनस टेन, देन टू माइनस सिक्स, वन माइनस फाइव, देन फाइव वन माइनस टेन माइनस फाइव। ठीक, तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व किया, सॉल्विंग इक्वेशंस वन टू एंड थ्री, आई वन इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है 1.571 एम्पियर, आई टू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1.598 एंड आई थ्री इज इक्वल टू जो मिल रहा है मुझे 1.445 एम्पियर। इस तरीके से मेरे को आई वन आई टू एंड आई थ्री मिल गई। फाइन, नाउ देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट थ्रू थ्री ओम, फाइव ओम एंड सिक्स ओम, बट मेरे को वैल्यूज किसके मिले, मेश करंट के। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, करंट थ्रू थ्री ओम चाहिए, तो करंट थ्रू थ्री ओम इस तरीके से मैं नोटेशन देता हूँ। थ्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये जो मेरे पास कौन सा मेश है, सेकेंड वाला मेश है। नौ देखो ये जो थ्री ओम सेकेंड वाले मेश के, मैं इसको बोलता हूँ बाहर का दीवार और ये अंदर का दीवार है, तो सेकेंड वाले मेश के बाहर के दीवार पर जब रहेगा तो करंट थ्रू थ्री ओम विल बी डायरेक्टली इक्वल टू वो वाला मेश का करंट, क्या है मेरे पास आई टू। तो आई टू का वैल्यू मेरे को क्या है मिला है 1.598 एम्पियर। देयरफॉर करंट थ्रू थ्री ओम इज नथिंग बट इक्वल टू 1.598 एम्पियर। सिमिलरली अब मेरे को क्या चाहिए, करंट थ्रू फाइव ओम, ठीक है। नो करंट थ्रू फाइव ओम, फाइव ओम कहाँ पर देखो इधर है, तो दो मेश के बीच में है वो, कौन से दो मेश के बीच में, आई वन एंड आई थ्री के। तो जब हम लोग ने सब करंट क्लॉकवाइज अज्यूम किए, इसके लिए जब मेरे पास करंट थ्रू फाइव ओम बोला है और ये दो मेश के बीच में, तो दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस लेते वक्त मैं ऑब्जर्व करूंगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ना आई वन का वैल्यू मेरे पास 1.571, आई थ्री का वैल्यू 1.445। सो करंट थ्रू फाइव ओम्स विल बी इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री, तो आई वन का वैल्यू तो मेरे पास है 1.571 माइनस 1.445, दैट गिव्स मी 0.126 एम्पियर्स। तो करंट थ्रू 5 ओम्स क्या मिला मुझे 0.126 एम्पियर। यहाँ तक तो ठीक है, फाइन। नो नेक्स्ट मुझे करंट थ्रू क्या चाहिए, 6 ओम। अभी 6 ओम कहाँ पर है देखो, यहाँ पर है, ये किसी भी मेश के बीच में नहीं बट बल्कि वो बाहर के दीवार पर है। किसके बाहर के दीवार पर है वो मेरे पास, आई वन के। तो आई वन के बाहर के दीवार पर है, मतलब करंट थ्रू 6 ओम विल बी डायरेक्टली आई वन। सो करंट थ्रू 6 ओम्स इज नथिंग बट आई वन, और आई वन का वैल्यू क्या है मेरे पास 1.571। तो करंट थ्रू 6 ओम इज इक्वल टू मेरे पास मिला 1.571 एम्पियर। नाउ इस एग्जांपल में हम लोग को करंट के सब वैल्यू पॉजिटिव मिले, क्योंकि हम लोग का अज्यूम डायरेक्शन राइट था। अगर कुछ समझो आई टू फॉर टाइमिंग के लिए समझो अगर नेगेटिव मिलता, इसका मतलब मेरा आंसर रॉन्ग नहीं है, सिर्फ मेरा क्या है आई टू का डायरेक्शन गलत हुआ है। फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी
V1 एंड V2 को भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा ठीक से देख लो, फिर हम लोग V1 एंड V2 के बारे में इसी सम को आगे कंटिन्यू करते हैं।